हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता रुक्षमणि कुमारी, उनसे करेंगे बातचीत और जानेंगे कि गहलोत सरकार, अशोक गहलोत जिस 7 गारंटी की बात कर रहे हैं, क्या वाकई उससे जनता का भला होगा या फिर वो सिर्फ एक जो चुनावी एजेंडा कहते हैं वो है। आपका स्वागत है इंडिया टीवी। नमस्कार। नमस्कार। बिल्कुल चुनावी जुमला नहीं है। आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले 9 महीने से, मतलब 8-9 महीने से हमने महंगाई राहत कैंप जो लगाए उसमें 2,82,000 लोगों ने रजिस्टर किया। मतलब ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है। कोई गाड़ी नहीं भेजी हमने, कोई बस नहीं भेजी गांव में, लोग बाग खुद आए, उन्होंने रजिस्टर किया और सारी योजनाओं का फायदा उठाया। हम 7 गारंटीज लेके आए हैं। आप बताइए, पूरे प्रदेश में, पूरे हमारे देश में घर बैठी महिलाओं को 10,000 रुपये किसने दिए हैं? हम गारंटी ले रहे हैं कि उन महिलाओं को घर बैठे 10,000 रुपये मिलेंगे। बीजेपी गाय की बात कर रही है, हमने 40,000 लंपी के लिए हमने पैसे जमा कर दिए, लोग काश्तकारों के पास पहुंच गए। गौधन की बात कर रहे हैं वो लोग, हम गौधन वापस प्रोनाउंस, गौधन की बात, हमने ऑलरेडी गौधन गारंटी योजना लेके आ गए। हमने कहा हमारे बच्चों को हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे। आप बता दीजिए पूरे हमारे देश में कहाँ ये बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम हमारे पहले ईयर में हमारे बच्चों को लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे। आप बताइए कौन बात कर रहा है इसके बारे में? चिरंजीवी योजना कौन बात कर रहा है? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से हर क्षेत्र में लोगों को शांत, आज शांति से लोग सोते हैं, लोग बाओं के दुकान बिक जाती थी, लोग बाओं की जमीनें बिक जाती थी अपने अपने बुजुर्गों को, अपने लोगों के लिए मेडिकल के उसमें, आज फायदा उनको मिल रहा है। तो ये फायदा गांव गांव ढाणी ढाणी तक पहुंचा है। और आप 3 तारीख को देखेंगे कि हमारी सरकार तो 156 सीट की बात कर रही है, मैं 160 सीट की गारंटी लेती हूँ, एक बहुत ही बड़े मार्जिन से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और हमने काम किया है, इसलिए कहती हूँ कि कांग्रेस फिर से। तो अगर इतना काम किया है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है जिसकी बात बीजेपी कर रही है कि जमकर भ्रष्टाचार हुआ है गहलोत सरकार में, और लाल डायरी तो खैर चर्चा में है ही, जिसके 4 पन्ने जो रिलीज हुए हैं उसे लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया, और अब बीजेपी कहती है कि हर लाल चीज से अशोक गहलोत जो है वो डरने लगे। अरे बीजेपी तो, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि लाल सिलेंडर से डर रही है, लाल बत्ती है जो एम्बुलेंस से उससे डर रही है, चिरंजीवी योजना जो 25 लाख की है उससे डर रही है, आज सिलेंडर 500 रुपए किया है उससे डर रही है। तो हम देखिए, हमारे पास तो विकास की डायरी है, ये लाल डायरी वाल डायरी तो सिर्फ जुमले हैं जो ये कर रहे हैं, और उन्हें पता ही नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कितने फायदे हो रहे हैं। तो डर वो रही है, न कि हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी। लेकिन इस बार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस आलाकमान नजर आया है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, तेलंगाना की भी बात करें, तो उस तरीके से राजस्थान में आलाकमान का दौरा दिखा नहीं। अब सिर्फ 10 दिन बाकी है और गांधी परिवार अब आया है प्रचार में, वजह क्या है? आप देखिए अभी क्या धुआंधार प्रचार होने वाला है 10 दिन में। हमारे गारंटी संवाद होने वाले हैं, हमारे गारंटी यात्राएं होने वाली है। प्रियंका जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी और सभी सेंट्रल लीडरशिप आपको 10 दिन में कांग्रेस राजस्थान में दिखेंगे, आप देखिएगा। देखिए, कोई नाम तो कांग्रेस ने नहीं लिया है, लेकिन सारा चुनावी रणनीति जो बना है वो अशोक गहलोत ने बनाया है, उन्हीं के आसपास सब कुछ मंडरा रहा है इन चुनावों में। लेकिन सचिन पायलट जो है उनके साथ पोस्टर भी दिखाई दिया है अशोक गहलोत का, मनमुटाव सुलझ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको कहना चाहती हूँ, आपने अभी आज सुबह की तस्वीरें हैं, राहुल जी आए तब सभी हमारा लीडरशिप एक साथ है, और कांग्रेस के हमारे लीडर्स एक साथ है और एक साथ ही मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। सचिन पायलट और मनमुटाव, देखिए थोड़ा वोट होता रहता है, बट सेंट्रल लीडरशिप ने सॉर्ट आउट करके आई थिंक दोनों को एक साथ लेके आज राजस्थान का इलेक्शन दोनों लीडर्स एक साथ लड़ेंगे। अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा था कि मैं सीएम की कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती। देखिए, सीएम कौन होएगा कौन नहीं होगा वो सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं देना चाहती हूँ। जो अच्छा काम करेगा, राजस्थान को बेहतर विजन देगा, बेहतर लीडरशिप देगा, वो मुझे लगता है मुख्यमंत्री राजस्थान बनेगा।
हमसे बातचीत करने के लिए, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।